हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फाइव आज की वीडियो सेशन में हम देखेंगे मेमोरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी तो मेमोरी की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है जो आपकी मेमरी बनी होती है वो आपके छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर बनी होती है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी जो बूट सेक्टर फाइल्स होती है आपकी सिस्टम की वो कहाँ पर स्टोर होती है आपके कंप्यूटर मेमोरी में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रोम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल तो सबसे पहले तो आपको वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस पता होना चाहिए तो फर्स्ट जो वोलेटाइल मेमरी होती है वो ऐसी मेमरी होती है जब आपकी पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाए तो आपका जो डाटा है वो वहाँ पर इरेज हो जाता है और नॉन वोलेटाइल इसके वाइस वर्षा अगर आपकी पावर सप्लाई कट भी हो जाए तो भी आपका जो डाटा है वो वहाँ पर रिटेन रहता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रोम तो रोम कैसी मेमोरी है एक नॉन वोलेटाइल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हराकी तो सबसे पहले हराकी हम देखते हैं सबसे टॉप पर रहते हैं रजिस्टर्स जो आपके सबसे क्लोजेस्ट रहते हैं सीपीयू के उसके बाद रहता है आपका एल वन कैश उसके बाद एल टू कैश उसके बाद आपकी मेन मेमोरी यहाँ पर रहती है तो इस तरह से आपकी हेराकी होती है मेमोरी की तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी मेमोरी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी मेमरी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच प्रोसेस इज़ यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस टू वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन जो टॉपिक है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर करेंगे अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो जैसे हमने सी प्रोग्राम्स किए था उसमें अलग अलग सेगमेंट्स रहते थे तो उन सेगमेंट्स को हम मेन मेमोरी में प्लेस करते हैं तो जो आपका सीपीयू है वो आपका लॉजिकल एड्रेस यहाँ पर जनरेट करता है तो जो सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस को मैप करता है इनटू फिजिकल मेमोरी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द प्रोसेसर सी पी यू एंड मेमरी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर्स जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं उनमें आपके वेरियस ऑफ रजिस्टर्स प्लेस होते हैं जो आपका टेम्परेरी डाटा वहाँ पर स्टोर करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी रैम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी इरेज बाय अल्ट्रा वायोलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय द यूज और तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ई पी रोम और ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेंथ विच टाइप ऑफ रोम इज यूज फॉर इरेजिंग परपसेस ओनली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ई पी रोम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ वट इज द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमिटर रजिस्टर्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका जो एक्मिलेटर रजिस्टर रहता है उसका साइज कितना होता है फोर बाइट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यू एस बी फ्लैश ड्राइव नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मेमरी ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमरी स्टोर तो जो आपका मेन मेमोरी है वो क्या क्या चीजें स्टोर करता है डाटा को भी प्रोग्राम को भी और रिजल्ट को भी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क टू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेटिंग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम अगर हमें स्पीड मेजर करनी है रैम की तो हम दो पैरामीटर्स को यहाँ पर लेते हैं एक होता है बस बस विड्थ एंड सेकेंड वन इज बस स्पीड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरी यूजेज फ्लिप फ्लॉप कॉम्पोनेंट तो कौन सी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट को यूज करती है तो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक रैम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डाइनामिक रैम तो स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम इन दोनों के बीच क्या की डिफरेंस रहते हैं उसको यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं जो आपका स्टैटिक रैम रहता है इसको यहाँ पर रिफ्रेश करने की ज़रूरत पीरियडिकली नहीं पड़ती ठीक है जो आपका डायनेमिक रैम है इसको यहाँ पर पीरियोडिकली यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ता है जो स्टैटिक रैम है ये आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कंपेयर टू डायनेमिक रैम और जो आपकी स्टैटिक रैम है ये कहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ कहाँ पर ये यूज़ होती है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर हमारे को कंटीन्यूसली डाटा अपडेट रहता है तो वहां पर हमारी कौन सी रैम यूज होती है स्टैटिक रैम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज एज कैश ए मेमरी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक रैम तो स्टैटिक रैम को हम यूज कर सकते हैं एज अ कैश मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट स्टैटिक रैम तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर फॉल्स है तो so, फर्स्ट देखते हैं इन स्टैटिक रैम डाटा इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है सेकेंड देखते हैं इट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली तो अभी मैंने आपको बताया जो आपका डायनेमिक रैम रहती है इसको हमें पीरियोडिकली यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ता है तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है सेकेंड है इट इज़ फास्टर देन डायनेमिक रैम रैम तो जो आपकी स्टैटिक रैम है ये आपकी एक्सपेंसिव भी होती है और आपकी ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक रैम डायनेमिक रैम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है अभी हमने सारे की पॉइंट्स देखे थे फर्स्ट देखते हैं डी रैम नीड्स अ कंटिन्यूसली रिफ्रेश मेमोरी टू स्टोर डाटा तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकेंड देखते हैं इट इज़ स्लोअर देन स्टैटिक रैम तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है सही है थर्ड देखते हैं इट इज मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर कैसी हो जाती है फॉल्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैम तो एस रैम स्टैंड करता है फॉर स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम डब्ल्यू रैम का मतलब है विंडोज रैम जो आज की डेट में यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती और वी रैम का मतलब है यहाँ पर वीडियो रैम तो कौन सी इनमें से रैम नहीं है तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एस डी रैम स्टैंड फॉर तो यहाँ पर आपको एस डी का मतलब बताना है तो यहां पर एस डी स्टैंड फॉर सिंक्रोनस डायनेमिक रैम तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमरी इन द कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी रीड ओनली मेमरी नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर्थ वर्चुअल मेमोरी इज एन तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट वैसे तो मैंने इसका वीडियो लेक्चर भी लिया था तो इसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ किस तरह से आपका वर्चुअल मेमोरी काम करती है सपोज़ ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी ठीक है और ये है आपकी मेन मेमोरी और ये है हमारा सी तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है तो उसे कहाँ पर लाना पड़ता है हमें मेन मेमरी अब सपोज लेट लेटेस्ट सपोज़ आपने सी का कोई प्रोग्राम लिखा उसका साइज़ है हंड्रेड के बी पर जो आपकी मेन मेन मेमोरी में साइज़ अवेलेबल है वो है सिर्फ ट्वेंटी के बी तो किस तरह से इसको यहाँ पर एग्जीक्यूशन होती है तो हंड्रेड के बी में से आपका सिर्फ यहाँ पर कितना आएगा ट्वेंटी के बी का ही डाटा आएगा ठीक है तो ट्वेंटी के बी पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा फिर सिर्फ आप स्टोर कहाँ होगा मेन मेमोरी में उसके बाद नेक्स्ट जो ट्वेंटी के बी है वो यहाँ पर मेन मेमोरी में आएगा और वो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद नेक्स्ट ट्वेंटी आएगा तो इस तरह से जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर होती है तो आपका जो वर्चुअल मेमोरी ये बेसिकली कोई एक फिजिकल मेमोरी नहीं होती तो ये एक इल्यूजन टाइप की मेमोरी होती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ द मेमरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेसर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल मेमरी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन विच स्टोरेज मीडियम वी कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज कैपेसिटी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड एट द टाइम ऑफ तो हार्ड डिस्क को कब फॉर्मेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ बूटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वट टाइप ऑफ मेमरी इज ड्यूल पोर्टेड एंड कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू एट द सेम टाइम तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए वीडियो रैम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टर स्पीड मेमरी आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी जो है ज्यादा फास्टर है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी टेनो सेकेंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी विच टाइप ऑफ डी रैम इज सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी एस डी रैम और जो एस डी रैम है वो आज की डेट में यहां पर यूज नहीं की जाती नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वेन ए सी पी ओ नीड्स टू एक्सेस डाटा वेयर विल इट लुक फॉर दिस डाटा फर्स्ट जब भी आपका सीपी यू को एक्सेस करना होता है डाटा तो वो सबसे पहले कहाँ पर देखता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एल वन कैश क्योंकि सबसे क्लोज क्या रहता है आपका एल वन कैश ही रहता है आपके सीपीयू के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड तो सिक्वेंशियल भी आपका एक एक्सेस मोड है कंटिन्यूस भी डायरेक्टली तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे फ्लॉपी डिस्क हम तीन टाइप्स की देखते हैं एक आपकी 5.25 एक हम देखते हैं 3.5 और एक हम देखते हैं एट इंच तो इनका जो स्टोरेज मेथड है वो क्या है आपका मैग्नेटिक और जो पेन ड्राइव है जो फ्लैश मेमोरी यूज करता है उसका जो स्टोरेज मेथड है वो है सॉलिड स्टेट और जो डीवीडी एंड सीडी है इन दोनों का स्टोरेज मेथड कैसा है ऑप्टिकल ठीक है तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द हाइएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एस देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई जियो तो इसका भी हम सीक्वेंस देखते हैं सबसे छोटा जो यूनिट है वो होता है बिट उसके बाद होता है बाइट आठ बिट से बन के आपका क्या बनता है बाइट उसके बाद रहता है आपका के बी उसके बाद एम बी मेगाबाइट फिर गीगा बाइट फिर टेराबाइट उसके बाद पैटाबाइट उसके बाद एक्साबाइट उसके बाद रहता है जैटा बाइट उसके बाद योटाबाइट उसके बाद ब्रोंटो और उसके बाद जो फाइनल रहता है वो है हमारा जियोप तो सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सा है जियोप तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज कैपेसिटी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए सिलेंडर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड तो जो बाइट है उसको किसके बीच यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो रेंज रहती है आपकी जीरो टू टू फाइव फाइव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑल द फॉलोइंग मेमरी चेप इज फास्टर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी रैम आपकी यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रहती है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डाटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी द अमाउंट ऑफ मेमरी रैम और रोम इज मेजर्ड इन जो रैम एंड रोम मेमरी है इसको किस में मेजर किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मेगा तो आपको यहाँ पर बाइट्स और बिट्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना है तो किस में मेजर किया जाता है मेगा में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द डाटा स्टोरेज हेराकी कंसिस्ट ऑफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी जाता है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रहता है यूनिट वो है बिट्स उसके बाद बाइट और बाइट से बनता है आपका फील्ड फील्ड से बनता है रिकॉर्ड रिकॉर्ड से बनते हैं आपके फाइल्स और फाइल से बनते हैं आपके डाटा बेस करेक्ट तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू डैश आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क सी डी रोम ड्राइव्स एंड हार्ड ड्राइव्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बाइट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थर्ड इंस्ट्रक्शन एंड मेमरी एड्रेस आर रिप्रजेंटेड बाई इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बाइंडी कोर्ट्स नेक्स्ट है आपका फोर्टी फोर्थ एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इन टू इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्लॉट्स नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरी डिवाइस इज़ वेरी मच सिमिलर मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू द कैश ई मेमरी तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेटिक रैम को हम यूज कर सकते हैं एज अ कैश मेमरी नेक्स्ट है फोर्टी सिक्स विच अमंग द फॉलोइंग मेमरीज इज यूज इन डिजिटल कैमरा तो डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमरी यूज की जाती है आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्लैश मेमरी को हम यूज करते हैं डिजिटल कैमरा और जो फ्लैश मेमरी है ये आपकी बनी होती है किससे ई पी रोम मेमोरी को डिस्कवर किया था वो किसने किया था आपका जॉर्ज परलीगोस तो ये चीजें भी आपको यहां पर याद रखनी है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन अंबल इज कम्पोस्ट ऑफ तो फोर बिट इक्वल्स टू वन निम्बल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है फोर्टी एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी है आफ्टर द एल टू कैश इज तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी नाइन डैश इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ वन और बोथ ऑफ टू बेसिक टेक्निक्स सेगमेंटेशन एंड पेजिंग तो जो वर्चुअल मेमोरी है यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सेगमेंटेशन एंड पेजिंग का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी राइट साइकिल्स आर अलाउड इन अ रैम तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एक ही राइट साइकिल अलाउड होता है इन रैम आई होप आज का जो वीडियो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दैट्स ऑल फॉर सो मच